आपको थोड़ा ज्ञान देंगे यादुलिया भाई, वो केस और यहाँ के वो पेमेंट के बारे में थोड़ा इंडियन स्टोर है, बोलो आदित्य भाई। तो पेमेंट के मामले में यहाँ पे लोग टैक्सेशन की वजह से कैश लेना पसंद करते हैं। तो स्टेरी चल कर तो क्या है कि यहाँ पे कैश इतना सोने जैसा है, कैश इज इक्वल टू सोना। तो आपको कैश लेके जाना है, चाहे वो पचास यूरो का माल लो या 100 यूरो का माल लो, कैश लेके जाओ। वो लोग क्यों कहाँ पे यूज हो सकता है, जहाँ पे बड़े बड़े मॉल्स में या मिड स्केल ग्रोसरी स्टोर्स में यहाँ पे यूज हो सकता है। वो लोग क्यों नहीं लेते, वो ऑनलाइन पेमेंट क्यों नहीं रखते हैं वो लोग? ऑनलाइन पेमेंट यानी यहाँ पे तो एक तो जर्मन टैक्स के लिए फेमस है, यहाँ पे 30-35% जो टैक्स लगता है। और उन सबसे बचने के लिए लोग ज़्यादातर यहाँ पे कैश का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर कैश फ्लो हो तो उनका टैक्स बच सकता है, और टैक्स बच गया तो ज़्यादा कमाई हो सकती है, कमाई भी प्रॉफिट में रह सकता है। तो ये यहाँ का हाल है। और यहाँ पे लेबर वर्क यानी रोज़गार जो हम कर रहे हैं, हाँ, उससे हम कमा रहे हैं ठीक ठाक, हमारा खान सब चल रहा है। आप यहाँ आए हैं तो आपका खाने पीने का वो सब खर्च निकल जाता है या नहीं? निकल जाता है खर्च, ऐसा कुछ नहीं है, पर आपको मेहनत करना है, क्योंकि थक नहीं जाना है। अगर थक गए लाइफ में तो ज़िंदगी स्टॉप हो जाएगी। आपको कैसा है कि मल्टीपल वर्क्स करना पड़ता है। अभी मेरा अलग चीज़ है कि मैं खाट पे सोया रहता हूँ, वो हाँ, अलग बात है। आपकी तो बात ही नहीं, ऐसा नहीं रहता कि बर्तन मारना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, उसके बाद शिफ्ट करना पड़ता है कॉलेज वर्क ये वो। तो कैसा है, जो आलसी आदमी होते हैं उनका यहाँ पे कैसा है कि थोड़ा प्री तैयारी करके आओ, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है। पब्लिक को आप ऐसा बताओ कि यहाँ की स्ट्रगल क्या है। स्ट्रगल एक तो देखो, अगर आने वाले हो तो विंटर में आओ, मैं तो माइनस डिग्री में आपकी लग जाएगी। हाँ, और अगर तुम बोलते हो कि मेरा बॉडी ये झेल सकता है वो झेल सकता है, वो सब नाम के लिए है, यहाँ पे आने के बाद सब रियलिटी अलग है। और जो इसमें दिखाते हैं आपने यूट्यूब में कि ऐसा है सिटी वैसा हाँ, है सिटी, वो सब वो देखने सब में ही अच्छा लगता है। हाँ, पर यहाँ पे आने के बाद है ना, उसका दूसरा साइड भी देख सकते हो तुम। और स्पेशली यहाँ पे बस स्टॉप पर अगर तुम 10 मिनट से ज़्यादा रुकते हो तो तुमको बहुत अच्छे अच्छे सीनरीज भी दिख सकते हैं बस स्टॉप पे, S-Bahn पे, U-Bahn पे। तो चलो चलो चलो, अब अगले ब्लॉग में मिलते हैं गाइस। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। बाय बाय।